सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का मौसम देखिए, देखिए कितनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। ये हमारे घर की विंडो से दिखाई दे रहा है और इस अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मौसम में ऐसा होता है ना कि कुछ पकौड़े खाओ, कुछ अच्छा फ्राई आइटम खाओ, कुछ चटपटा खाओ। तो मैं फिर बना रही हूँ मेरे बच्चों के लिए, फिर मैं बना रही हूँ दाल के पराठे, जिसको बोलते हैं दाल भरे पराठे, और नॉर्थ इंडिया साइड में उसको दाल भरी भी बोलते हैं, गड़न ही बोलते हैं। तो चलो मैं उसको बनाना शुरू करती हूँ, आइए मैं दिखाती हूँ। और देखिए मैंने सबसे पहले ये आटा गूंद लिया है, उसके मैंने ये दो तीन पेड़े भी बना लिए। एज यूजुअल आटा जिस तरह गूंदते हैं, हल्का सा नमक डालकर और तेल डालकर उसको गूंद लीजिए। और फिर मैंने ये इसमें डालने के लिए ये दाल रेडी किया है। ये तुअर की दाल या चने की दाल, किसी भी दाल में आप बना सकते हैं। अभी फिलहाल ये तुअर की दाल यानी अरहर की दाल है, इसको मैंने बॉयल करके इस तरह से सुखा लिया है। तो देखिए कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होना चाहिए। मैंने इसमें नमक, थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च का थोड़ा सा पाउडर मैंने डालकर इसको बॉयल किया और इसको सुखा लिया है। फिर मैंने इसमें काटकर हरी मिर्च और हरी धनिया डाला है, बहुत बारीक हरी धनिया और हरी मिर्च काटा है ताकि ये मुंह में नहीं आए। अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक मिर्च डाल सकते हैं। और मैं अभी बनाना शुरू करती हूँ। देखिए लोई को मैंने इस तरह से बना लिया है, इतने बड़े पेड़े, इसको इस तरह से बनाना। ये दाल मैंने रेडी करके रखी है, इसमें भरना है दाल। इसमें मैं ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा दाल ज़्यादा डालो तो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत मज़ा आती है खाने में। इसको बहुत ही हल्के हाथ से बेलना है। देखिए तवा गरम है, इस पर हल्का सा पहले ही हल्का सा ऑयल लगा देंगे। तो ये पराठा रख रही हूँ, बहुत संभाला जाता है। देखिए थोड़ा सा किनारे से फट गया, पर कोई बात नहीं, फट जाएगा। देखिए कितने अच्छे गोल्डन कलर के बन रहे हैं पराठे। इसको मीडियम टू लो आंच में इसको सेक लेना अच्छी तरह कुरकुरे। देखिए हमारी दूसरा पराठा भी रेडी हो गया। मैं इसको डाल रही हूँ बटर। पहले पराठे पे मैंने ऑयल लगाया था, अभी मैं इसमें बटर लगा रही हूँ। इसको बस थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो बस हटा लूँगी। दोनों तरीके से मैं बनाती हूँ। अगर आपको बटर लगाना है बटर लगाइए, ऑयल लगाना है घी लगाना है, जो भी लगाना हो लगाइए। ये बटर में भी बहुत टेस्टी लगता है। बस ये गरम गरम पराठा, इसमें बटर मेल्ट हो जाएगा। थोड़ा ज़्यादा बटर लगाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और एक ही साइड लगाएंगे, दूसरी साइड में मैं इसको इसी तरह से बस निकाल लूँगी। इस तरह मैंने निकाल लिया है और गरम गरम आपको मैं सर्व करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। दाल भरे पराठे रेडी हो गए, इसमें मैंने मक्खन डाला है और ये हमारे तेल के पराठे हैं। तेल या घी किसी चीज़ से भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये दूसरा मैं मक्खन से बनाई हूँ। और इसके साथ मैं दही सर्व कर रही हूँ। दही पे मैंने हरी धनिया, नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाली हूँ। देखिए कितनी टेस्टी दिख रही दही। और इसके साथ ये टिंडे की सब्जी है, इसकी रेसिपी मैं बाद में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और साथ में अचार है, आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। पराठा अपने आप में एक कम्प्लीट मील है, लेकिन मैंने उसके साथ ये रखा है, अगर आपको चाहिए तो आप इसके साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही डिलीशियस है। देखिए खा के देखिए कितना टेस्टी कुरकुरे और बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह। ये इसको इसके अंदर देखिए कितना, इसकी फीलिंग देखिए, दाल और हरी मिर्च और हरी धनिया, बहुत ही टेस्टी है। इसको आप इसके साथ खाइए। बहुत
बहुत ही मज़ेदार है। तो अपने दुआ में याद रखिए मुझे, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।